तो दुनिया में सबसे पहले क्या आया गाइस, मुर्गी या फिर अंडा, या फिर अंडा या फिर मुर्गी। तो गाइस दरअसल बात यह है कि मेरे माइंड में अभी सडनली मैं कुछ चीजें सोच रहा था, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऊप्स में सबसे पहले क्या आएगा, क्लास या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्या आता है, क्लास पहले आती है या फिर ऑब्जेक्ट आती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने इंटरव्यू में फेस किया हो, मुझे नहीं लगता अभी इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई मैं पहला पर्सन हूँ इस आइडिया के साथ आ रहा हूँ, कई लोग और भी हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मे बी इंटरव्यू में किसी से पूछा गया हो, मे बी, मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी तक नहीं सुना, ये मेरे माइंड में सडनली आया तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बना दो, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, राइट। तो गाइस इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ऊप्स की। देखो गाइस क्या ऊप्स, प्रोग्रामिंग टर्म्स में बात कर रहे हैं, ऊप्स मतलब इन रियलिटी जो कुछ है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऊप्स के थ्रू प्रोग्रामिंग में, राइट। इतनी बात समझ में आ रही। अब क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बीच का डिफरेंस पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, राइट। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स की बात करूँ तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सडनली अभी आंसर सोच रहे होंगे यार क्लास होगी, या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट होगा। यार आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर के साथ साथ मेरा ये भी जानना होगा व्हाई। क्लास अगर आप बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, राइट। तो गाइस क्लास में आया या ऑब्जेक्ट आया, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यार देखो सबसे पहले रियलिटी को टच करने की कोशिश करते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या होता है। दुनिया में जितनी कुछ चीजें भी हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, जो कुछ भी आप देख सकते हो, वो सारे क्या हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन इमेजिन करो कि सबसे पहले दुनिया में क्या स्पेसीज आई थी, मैमल्स आए थे, लेट्स से एनिमल्स होगा, ठीक है। अब वो कौन थे, हम ह्यूमंस एक ऐसी स्पेसीज में आते हैं जो काफी स्मार्ट माने जाते हैं, काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, राइट। तो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जा रही हैं वो किसके थ्रू बनाई जा रही है, ह्यूमन के थ्रू। तो ह्यूमन पहले आया था, राइट। वो ह्यूमन कौन था एक्चुअली, वो एक ऑब्जेक्ट था, जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट आया था, एक ऐसा ह्यूमन आया था, एक ऐसी स्पीसीज आई थी दुनिया में जो नई स्पीसीज को बना सकता था इमेजिन करके, बेस्ड अपॉन द थॉट। तो लेट्स से कि इमेजिन करो कि पहले की कोई स्पीसीज दुनिया में आई, राइट। लेट्स से बहुत सारे जानवर आए, बहुत सारे बर्ड्स आए, मैमल्स की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आए, और पेड़ पौधे यार एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, यू नो वेरी वेल, राइट। लेट्स से ह्यूमन आया, अब ह्यूमन ने सोचा कि मैं यहाँ से, मुझे लेट्स से कहीं जाना है किसी दूसरी लोकेशन पे, तो मुझे पैदल जाना होगा, तो मैंने सोचा कि बाइक बनाता हूँ, बाइक या फिर कोई तांगा, लेट्स से व्हाटएवर उस जमाने के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो वो बनाना है। तो वो जो बनाना है ना, वो क्या है, वो एक इमेजिनेशन है, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेजिनेशन की है, उस इमेजिनेशन को एक्चुअली रियलिटी में बनाने के लिए उसने क्या किया, एक उसका स्ट्रक्चर लिखा, उसका एक लेआउट बनाया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लास, राइट। अब इस अगर रियल सिनेरियो में देखोगे तो क्लास बनाने की बात जो हो रही, जो लेआउट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक खुद ह्यूमन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ह्यूमन पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो कौन पहले आया, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसीज दुनिया में थी ही नहीं कि एक नए ऑब्जेक्ट को जनरेट कर सके, एक इमेजिनेशन के साथ बना सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हैं, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वो जो एक्चुअली अभी दुनिया में नहीं है, जैसे कि लेट्स से कि अभी कैमरा आप आज के समय में बहुत यू नो कॉमन हो चुका है, लेकिन बहुत पीछे जाओ तब कैमरास नहीं थे, राइट। तो वही है ना, वो किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन कौन है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट ने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सम लेआउट, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में इमेजिन किया कि उसका लुक एंड फील कैसा होगा, उसका लेआउट तैयार किया, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं क्लास। वेरी सिंपल, मतलब रियलिटी में अगर ध्यान से समझोगे आप कनेक्ट हो पा रहे होगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ यार कम ही रखूंगा और उम्मीद करता हूँ समझ पाओ, अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछोगे। तो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पहले आएगा, राइट। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो यहां भी थोड़ा सा ट्रैप है। अब आप सोच रहे होगे कि प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, नहीं यार, प्रोग्रामिंग में पहले क्लास आती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, रीजन में बता रहा हूं। ऊप्स क्या करता है, रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, राइट। एग्री विद मी, राइट, ओके।
अब गाइस आप लेट्स से भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करो, क्या आप हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम आप बहुत बार सुनते आए हुए, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या बिना क्लास क्रिएट यू नो प्रिंट करा सकते हो? नहीं ना। तो यहीं पे आंसर आपको मिल जाना चाहिए गाइस कि बिना क्लास के आप कोई यू नो कुछ लिख ही नहीं सकते हो, राइट? कुछ एक सिंटैक्स, इवन आप खुद की भी क्लास क्रिएट करोगे तो मतलब कि उस क्लास को ही पहले बनाओगे, ऑब्जेक्ट तो बाद में उसका क्रिएट करोगे जब उसकी यूज करने की बात आएगी। तो जब एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक बेसिक मैसेज प्रिंट नहीं करा सकते बिना क्लास के, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि क्लास पहले आइए ऑब्जेक्ट बाद में आए। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्लास पहले आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये सोचते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है, जब बोला जा रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऑब्जेक्ट पहले आया है ऊप्स में। यार देखो ऊप्स में मतलब ये ऊप्स रियलिटी को बोला, तो वहां पे ऑब्जेक्ट पहले आया रियलिटी रियल वर्ल्ड में। लेकिन जब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की बात करो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लास क्रिएट करते हो, बिना क्लास के आप कोई एक मैसेज भी प्रिंट नहीं करा सकते। इसलिए बात की बात है, क्लास का ऑब्जेक्ट तो आप बाद में क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड ऑल दैट, पहले तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली इस वीडियो को रिपीट करना गाइस, मुझे लगता है कि इतना ही सफिशियंट है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।